हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जीएस पेपर टू का सेक्शन वन, जो कि 64th मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेक्शन। और इसमें जो इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन पॉलिटी का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स मेंशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 64th मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम लोग 15-16 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा संभावना बनती है क्वेश्चन इसी के आसपास में रहेगा, इसी का इर्द गिर्द रहेगा। कुछ क्वेश्चन इससे बाहर भी पूछा जा सकता है, तो वो सब के लिए भी आपको तैयार रखना है। लेकिन इतना मिनिमम जो टॉपिक है, इतना आप पहले तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में और भी कुछ जो करेंट से रिलेटेड कुछ घटनाएं होती है या फिर कुछ और तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयार कीजिए। और अप्रैल महीना जो है, अप्रैल महीना का पूरा जो है डेडिकेट कीजिए पॉलिटी सिस्टम को। हम लोग इसके पहले जो है हिस्ट्री और साइंस टेक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब जो है आप अगर तैयार करिए, क्योंकि हम लोग पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। अभी आ जाता है तो यह आता है इंडियन पॉलिटी और उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स का मैं टॉपिक जो है 2-3 दिन में मैं इसमें आपको मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा। और अभी जो है पॉलिटी का इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। इसके बहुत सारे डायमेंशन पे कुछ टॉपिक अगर लगता है कि इस पर आपको डिटेल चाहिए एनालिसिस, तो मैं इस पर आपको लेसन बना दूंगा। आप जो है इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसके बाद मैं उसको पेज पर लिख के मैं इस पर मैं एक प्रॉपर अच्छा से वीडियो बनाऊंगा या फिर उस पर मैं एक क्लास ले लूंगा। एक तरह से कहा जाए तो ऑनलाइन जो क्लास होता है उस तरह से मैं करूंगा। तो इसमें एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होता है दो तरह का होता है। एक होता है जो कि स्टैटिक होता है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्ति, गवर्नर, ये सब जो है हो गया बिल्कुल ये मतलब कहा जाता है स्टैटिक हो गया क्वेश्चन। मतलब इसमें कुछ भी नया कुछ नहीं किया सकता, जो संविधान में दिया गया, जो हमारे जो सिस्टम में है उसी चीज को लिखना है। दूसरा टॉपिक हो जाता है डायनामिक। डायनामिक में मतलब उसमें अभी के पहलू से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी का डेमोक्रेसी का क्या हालात है, जाति की भूमिका और धर्म की भूमिका किस प्रकार बढ़ गई है, चुनाव कंपेन जो है उसमें किस प्रकार का सुधार आया है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। इसमें 15-16 टॉपिक मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक, जो हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार जो है 56 उत्तर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट से संबंधित जो कुछ घटनाएं हुई है उन सारी चीजों को इसमें रिलेट कर सकते हैं। अब ऐसे फंडामेंटल राइट बेसिक आप तैयार कर लीजिएगा। तो मौलिक अधिकार। दूसरा क्वेश्चन देखें तो रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की किस प्रकार की भूमिका होती है, इसके फायदे और नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स, आपको दोनों मेंशन करना है। तीसरा टॉपिक आया था जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। न्यायिक पुनरावलोकन चूंकि ऐसी चीजें होती है जिसमें आप करेंट का बहुत सारे घटनाओं को ऐड कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, इससे आप क्या समझते हैं और इससे संबंधित अभी जो घटनाएं हो उसको आप इसमें मिक्स करके लिख सकते हैं। इसे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, तो जुडिशियल रिव्यू आप ध्यान रखिएगा। अब आता है एक और डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन जो है 60-62 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको अभी के समय में किस प्रकार इसकी भूमिका है, मतलब सिर्फ एक थ्योरी है या फिर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। डीपीएसपी से संबंधित इन सारी चीजों को क्वेश्चन पूछा था। उसमें डीपीएसपी में कुछ कुछ जो आर्टिकल्स थे वो विवाद में थे, इसी वजह से क्वेश्चन शायद पूछा था। तो डीपीएसपी से संबंधित चीजों को आप तैयार करिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसको आप फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करके भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित के लिए। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन जो इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर 60-62 की बात करेंगे तो 60-62 में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस बार जो है राष्ट्रपति के शक्ति, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, खासकर जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है, विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा सकता है। इसका चुनाव प्रक्रिया का तो बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इसकी शक्तियां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पांचवा टॉपिक है वो प्रेसिडेंट आप तैयार कर लीजिएगा। छठा हो जाता है फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली किस प्रकार है भारत में और संघवाद है क्या, और अभी के समय का रिसेंट ट्रेंड क्या है संघवाद में, अभी के समय का क्या हालात है। तो संघ से संबंधित जो है संघीय प्रणाली, संघवाद और अभी के समय का संघीय संघवाद किस प्रकार है, उस पर आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। फिर एक कोलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति भारत में किस प्रकार शुरू हुआ, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, और ये डेमोक्रेसी को कितना ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को किस प्रकार प्रभावित करता है।
अगला टॉपिक आया था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या, इसमें आप डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जो पहले तैयार कर लीजिएगा, डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका किस प्रकार की भूमिका है, तो इस तरह से आप रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी को किन किन सारी ताकतों से डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है और कौन सा ऐसा किया जाए, मतलब क्या जो डेमोक्रेसी को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो डेमोक्रेसी का ये तीन चार पहलू जो है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, आचार संहिता और चुनाव प्रचार, ये दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चूंकि ये अप्लाइड यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये डायनेमिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया। आचार संहिता है क्या, आचार संहिता का उल्लंघन जो है करने पे किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और चुनाव प्रक्रिया क्या है, चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ आप कोड ऑफ कंडक्ट को रिलेट करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो हमको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा चूंकि अभी चुनावी माहौल है। फिर 173rd अमेंडमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि जो पंचायत चुनाव है वो भारतीय राजनीति में किस प्रकार की भूमिका अदा करती है और डेमोक्रेसी के लिए जो हमारा पंचायत चुनाव है कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हो गया दसवां। 11वां देखें कि प्रीएम्बल, प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना में अब तक क्यों संशोधन, कब संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में आपका जो इसका जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है जैसे कि सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, तो इन सारी चीजों को आप जो है प्रॉपर ढंग से जितने भी टर्म्स है उसको आप लाइन बनाकर उसको शायद आप डेफिनेशन दिया लीजिए इसका मतलब क्या होता है। तो प्रीएम्बल जो है आप एग्जैक्ट पूरा प्रीएम्बल याद भी कर सकते हैं, अच्छी बात है प्रीएम्बल जानना चाहिए हम सभी को, लेकिन अगर इनकेस अगर प्रीएम्बल याद नहीं आता तो उन सारे टर्म्स को कम से कम याद कर लीजिए कि प्रीएम्बल में कहा क्या जा रहा है, उन सारे टर्म्स को आप डिफाइन कीजिएगा, ये आपको लक्ष्मीकांत में अच्छा सबको मिल जाएगा, यानी कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ये स्टैटिक पोर्शन हो गया तो कोई भी किताब मिल जाएगा। अगला टॉपिक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी 11 जो ड्यूटीज है 11 कर्तव्य उसको आप डीपीएसपी से रिलेट करके भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि डीपीएसपी है क्या और फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटी का इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, इन सारी चीजों पर आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारा चीज आपको पता होगा लेकिन आप उसको सिलसिलेवार ढंग से तैयार कर लीजिएगा। अगला हो जाता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन लोकपाल। लोकपाल का अभी चूंकि नया अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया इसको लेकर काफी चर्चा में रहा है, तो लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन अगर करंट से रिलेटेड पूछता है तो लोकपाल का सिद्धांत और इसकी प्रक्रिया, ये दोनों चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा। लोकपाल इसकी भूमिका क्या होगी हमारे देश के लिए या फिर करप्शन को हटाने के लिए किस प्रकार इसकी भूमिका होगी, तो लोकपाल से संबंधित चीजों जो भी डायमेंशन आपको है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, दो दो चार चार पॉइंट करके आप जो है एक कंसेप्ट आप ओवरऑल तैयार कर लीजिए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछता है मैं उसको आंसर लिख सकूं। फिर हो गया गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है कि सरकार जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में अपना जो है इंटरफेयर कर रहा है, उसके दखलंदाजी कर रहा है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दखलंदाजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो गया या फिर सीबीआई वगैरह को जो है सरकार अपने सचिव, तो ये सब जो है किस हद तक हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इन सारी चीजों से संबंधित आप जो है तैयार कर सकते हैं पॉइंट को। आगे हम लोग देखें तो 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, 11 अप्रैल से शुरू है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया देखा गया, तो 2019 का लोकसभा चुनाव जो है इस बार जो है डायनेमिक सेक्शन में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है 2019 का जो इलेक्शन उस पर आप नजर रखिए, जो भी आइटम्स आते हैं उसको समझिए और कोशिश कीजिए कि इसको आप छोटा सा नोट्स वगैरह बनाए। फिर अगला आता है कॉम्युनलिज्म, संप्रदायवाद है क्या और क्या भारत की ये राजनीतिया यानी क्या पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज किसी पर्टिकुलर धर्म को, किसी खास धर्म को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो इसी चीज को अगर आप सेकंड टर्म में देखेंगे तो कहते हैं कास्ट और रिलीजन किस प्रकार भूमिका है, उसी का हम लोग सेकंड पहलू भी इस तरह से देख सकते हैं, संप्रदायवाद को इससे बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि कोई एक खास धर्म को अगर सपोर्ट करता है तो इस वजह से संप्रदाय कॉम्युनल हारमोनी को नुकसान हो सकता है, तो ये सारे टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें हम लोग 15-16 टॉपिक हम लोग देखें, 15-16 टॉपिक में से आपको जो क्वेश्चन जो है टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा उसमें 3 का आपको जवाब देना होगा, आपको एक 2 रहेगा, एक या 2 रहेगा जो कि स्टैटिक पोर्शन से चांसेस है, 2 रहेगा आपको डायनेमिक पोर्शन से, तब क्वेश्चन को बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप जो है कॉपी में आधा आधा पेज में आप ये इस तरह से तैयार कीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरह का दिमाग में रख के आप तैयार करते हैं, तो फिर आपका जो है
आंसर राइटिंग काफी इफेक्टिव होगा। और आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अब समय कम है, तेजी से आप करते जाइए। अभी एक एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो एक दो क्वेश्चन कम से कम दो तीन क्वेश्चन हर दिन आप लिखिए, एक दो तीन क्वेश्चन जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। टाइम स्पैन में लिखिए कि हमको 20 मिनट है, 20-21 मिनट में हम कितना लिखते हैं उसको ध्यान रखिए। 4 से 5 पेज को ध्यान रखिए कि उससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास 36-37 पेज रहेगा और आपके पास जो है पेज एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आप तैयार कीजिए, आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा। तो आई होप कि इन सारे टॉपिक से आपको 64th मेंस के प्रिपरेशन में मदद मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर।